जब अंतियोक दूसरी बार मिस्र पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था तो 40 दिन तक पूरे नगर में लोगों को दिव्य दृश्य दिखाई पड़े। सोने से कढ़े वस्त्र पहने और भाले लिए घुड़सवारों के झुंड आकाश पार करते थे। पंक्तिबद्ध दल एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। कितनी ढालें, कितने बर्छे, नंगी तलवारें, उड़ते हुए बाण, सोने के चमकदार कवच और हर प्रकार के बख्तर दिखाई पड़े। सब लोग प्रार्थना करते थे जिससे ये लक्षण शुभ हो। जब यह झूठा समाचार फैला कि अंतियोक मर गया तो यासीन ने 1,000 से कुछ अधिक लोगों को लेकर अचानक नगर पर धावा बोल दिया। उसने दीवार पर तैनात सैनिकों को भगाने के लिए विवश किया और अंत में नगर पर उसका अधिकार हो गया। मनेलास ने गढ़ में शरण ली। यासोन ने अपने सह नागरिकों में बहुत लोगों का वध किया। वह ये नहीं समझ सका कि अपने ही लोगों पर विजय वास्तव में भारी पराजय है। ऐसा लगता था मानो अपनी ही जाति उसका शत्रु है, किंतु वह शासन पर अधिकार करने में असमर्थ रहा। अंत में उसे अपने विश्वासघात के कारण कलंकित होकर फिर अम्मोनियों के देश भागना पड़ा। उसका अंत बड़ा दुखद रहा। अरबों के तानाशाह अरेतास के सामने उस पर आरोप लगाया गया और उसे एक नगर से दूसरे नगर भागना पड़ा। सब लोग उसके पीछे पड़ गए थे। वह घृणा और तिरस्कार का पात्र था, क्योंकि उसने विधि निषेधों का उल्लंघन और अपने देश और अपने सह नागरिकों पर अत्याचार किया था। वह मिस्र भगा दिया गया। जिस व्यक्ति ने अनेक लोगों को देश से निकाला था वह स्वयं परदेश में मरा। वो ये सोचकर लकेदैमोनी लोगों के यहाँ गया था कि वे लोग उसके संबंधी होने के कारण उसे शरण देंगे। उसने अनेक लोगों को बिना दफनाए ही छोड़ दिया था। अब वह स्वयं बिना दफनाए पड़ा रहा। ना किसी ने उसके लिए शोक मनाया, ना उसे दफनाया और ना उसके पूर्वजों के समाधि स्थान में उसे जगह मिल सकी। जब राजा को ये बातें मालूम हुई तो उसे लगा कि यहूदियों ने विद्रोह कर दिया है। वह हिंसक पशु की तरह क्रोध के आवेश में आकर मिस्र से लौट आया और उसने शास्त्रों के बल पर नगर अपने अधिकार में कर लिया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी लोग मिले या घरों के ऊपरी भाग में छिपे हुए हों सबका निर्दयतापूर्वक वध किया जाए। नवयुवकों और वृद्धों की हत्या की गई। स्त्रियों, बच्चों, कन्याओं और दूध मुहे शिशुओं का वध किया गया। 3 ही दिन में 80,000 लोग मर गए। 40,000 तलवार के घाट उतारे गए और उतने ही लोग दास के रूप में बेचे गए। इससे भी राजा को संतोष नहीं हुआ। वह संसार भर के सबसे पवित्र मंदिर में घुस आया। विधि निषेधों और अपने देश का विश्वासघाती मनेलास उसके आगे चल रहा था। उसने अपने अपवित्र हाथों से पवित्र पात्र और मनौती के वे उपहार छीन लिए जिनसे अन्य राजाओं और नगरों ने मंदिर की प्रतिष्ठा, शोभा और सम्मान बढ़ाया था। उसने अपने घमंड में ये नहीं सोचा कि प्रभु नगरवासियों के पापों के कारण थोड़े ही समय के लिए उनके प्रतिकूल हो गया था और केवल इसी कारण उस स्थान पर ये विपत्ति टूट पड़ी थी। यदि नगरवासी असंख्य पापों में नहीं फंस गए होते तो उसके साथ ठीक वैसा ही होता जैसा हेलियोडोरस के साथ हुआ, जिसे सिलूकस ने कोष का निरीक्षण करने भेजा था।
उसे मंदिर में प्रवेश करते ही दंडित किया जाता और इस प्रकार उसका दुस्साहस का कार्य रोका जाता। प्रभु ने उस स्थान के कारण अपनी प्रजा का चुनाव नहीं किया, बल्कि उसने वह स्थान अपनी प्रजा के कारण चुना है। इसलिए उस स्थान को लोगों के विपत्तियों का सहभागी बनना पड़ा, जिस तरह वह बाद में उनके सौभाग्य का भागी बनने वाला था। सर्वशक्तिमान के क्रोध के कारण अब उस स्थान का त्याग किया गया, किंतु सर्वोच्च प्रभु के क्रोध के शांत होने के बाद उसे फिर से प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली थी। अंतियोक मंदिर से 1800 मन चांदी लेकर अंताकिया लौटा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह धरती पर नाव चलाने और समुद्र पर पैदल रास्ता बनाने की सोचने लगा। उसने प्रस्थान करने से पहले यहूदियों पर अत्याचार करने के लिए इन राज्यपालों को नियुक्त किया। यरूशलेम में फिलिप को, जो फ्रीजिया का था और जिसका दिल अपने मालिक से भी अधिक बर्बर था, गरिज्जीम पर अंद्रोनिकस को, इनके अतिरिक्त मनेलास को, जो इनसे भी अधिक दुष्ट था और अपने सह नागरिकों पर रोब दिखाता था। अंतियोक ने सेनापति अपल्लोनियस को 22,000 सैनिकों के साथ भेजा और उसे सभी वयस्क पुरुषों का वध करने और स्त्रियों तथा किशोरों को बेचने का आदेश दिया। उसने यरूशलेम आकर शांति प्रिय व्यक्ति होने का स्वांग रचा। वह पवित्र विश्राम दिवस तक निष्क्रिय बैठा रहा और जिस दिन यहूदी विश्राम दिवस मनाने लगे, उस दिन उसने अपने आदमियों को शास्त्रों से सुसज्जित होकर कवायद करने को कहा। जब लोग सैनिकों को देखने निकले तो उसने उनका वध करने का आदेश दिया और इसके बाद उसने अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ नगर में प्रवेश कर कितने ही लोगों को मार डाला। इस पर यूदा मक्काबी 9 आदमियों को साथ लेकर उजाड़ खंड की ओर भाग गया। वहां वो अपने साथियों के साथ पहाड़ियों पर जंगली जानवरों की तरह रहने लगा। वे अपवित्र होने के डर से केवल सब्जी खाते थे।